बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अलाइड स्कूल गुलबर्ग एंड पीएफ बडबेर। आई एम योर मैथ्स टीचर सोनिया आरिफ, ग्रेड 5, न्यू काउंटडाउन एक्सरसाइज 2 है। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल मैं समझाती हूँ, उसके हेल्प से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है बुक पे आपने सॉल्व करना है। Rule 4, number 4, page number 24. Now let us take the number 584 as an example. Look at the tens and unit place 84. The number formed by 84 is 84 is divisible by 4. Guess it is. 84 divided by 4 is equal to 21. 84 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं? जी डिवाइड होता है। तो यहाँ हमारे पास देखिए, देयर फॉर 584 इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट टू डिजिट्स जो हैं हमारे पास 4 पे डिवाइड हो गए तो इट्स मीन के होल नंबर जो हैं हमारे पास डिवाइड होता है 4 पे। वी नो दैट 200, 300, 500 are multiples of 4. Therefore, if the last two digits of a number are 0, then the number is divisible by 4. किसी भी नंबर के आखिर में आखिर दो डिजिट्स में हमारे पास 0 zeros हो तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 1 मैं सॉल्व करती हूँ, बी एंड सी आपने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। अगर लास्ट टू डिजिट हमारे पास 0 होते तो वो जो है डिविजिबल बाय 4 होते, लेकिन यहाँ पर जो है जीरोज़ नहीं है तो हम इसको चेक करेंगे। वंस और टेंस हम लेंगे 96, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पे। 4 2 8, 98 माइनस करें 1, 6 नीचे, 4 4 16। तो ये क्या है, ये पूरा होल नंबर जो है क्या है, ये डिविजिबल बाय 4 है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा। तो हम लिखेंगे यस द नंबर divisible by 4. Rule for number 6, page number 25. Let us take the number 918. We first check if the number is even. सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नंबर जो है इवन है कि नहीं। यस, 918 इज़ एन इवन नंबर, देयर फॉर डिविजिबल बाय 2। 918 जो है इवन नंबर है और वो जो है डिवाइड होता है 2 पे। नेक्स्ट वी चेक वेदर द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 2। और 918 को आप सम करें, 9 + 1 + 8 इज़ इक्वल टू 18। तो 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, 18 जो है वो डिवाइड होता है 3 पे। द नंबर 918 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 2 है, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, apply the rules and show the working। इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, सी एंड डी आपने करने हैं। पार्ट 5 है हमारे पास, डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो हम जो है इसमें दो बातों का ख्याल रखेंगे कि एक जो है हमारे पास नंबर जो है इवन होना चाहिए और दूसरे जो है सम करने के बाद वो डिविजिबल बाय
3 हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखें हमारे पास 8622 जो हैं इवन हैं और डिविजिबल बाय 2 है। सेकंड जो है हमारे पास, हम इसको सम करेंगे 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो 8 प्लस 6 क्या आता है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. तो ये क्या है, 18 जो है क्या है डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 18 जो है 3 के टेबल में आता है और ये डिवाइड होता है किस पे, 3 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यस द नंबर एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी टू डिविजिबल बाय 6। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर बी। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इवन नंबर है कि नहीं, तो ये क्या है, इवन नंबर है और डिविजिबल बाय 2 है। इसको सम करते हैं, 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 प्लस 8, 20, तो 20 जो है डिविजिबल बाय 3 है, नहीं, क्योंकि 3 पे जो है अगर आप इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है और 3 के टेबल में ये नहीं आता। तो हम फर्स्ट रूल तो हमारे पास जो है ठीक है, लेकिन सेकंड जो है ये ठीक नहीं आया, तो हम लिखेंगे सो द नंबर फोर सेवन ज़ीरो वन एट डज नॉट डिविजिबल बाई